हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको आरएएस प्री जो 5 अगस्त को हुआ है उसके 150 क्वेश्चंस का पूरे का सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, सीधे बात करूँगा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जून 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके मध्य ऐतिहासिक बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बैठक हुई थी दोस्तों सिंगापुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करूँगा मैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कि पूछा गया कि कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती थी, तो जो स्टार रैंकिंग है उसको कहते हैं पिंक स्टार। तीसरा क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कन्या वृक्ष समृद्धि योजना आरंभ की? तो ये जो योजना आरंभ की थी वो की थी दोस्तों महाराष्ट्र ने। देखिए, अभी अपन सीधे जल्दी देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कितने गलत किए हैं, उसके बाद फिर अपन पूरे मैथ रीजनिंग जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम फटाफट जो देख रहे हैं वो आंसर देख रहे हैं इनके, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा भारत, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। छठा क्वेश्चन है, इसमें रहेगा ए और स, मतलब इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत और बादल द्वारा किया गया और यह अजमेर के रूपनगर में स्थित है। तो आंसर रहेगा ए और स, मतलब 4। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन अलग हो लेकिन आगे पीछे मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा था? तो जो लक्ष्य रखा था वो रखा था 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने तीरबाज विश्व कप की महिला गिरकर्वी स्पर्धा में स्वर्ण पदक होता है जीता है, यह विश्व कप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो आयोजित की गई है ये की गई है साल्ट लेक सिटी। अगला क्वेश्चन है, तो दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? तो दूसरी है जस्टिस आर भानुमति। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का यूसुफ सलीम समाचारों में रहा, तो वह रीजन क्या रहा कि वह पाकिस्तान के पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश हैं? तो आंसर रहेगा हमारा सी। ये ऑप्शन में भी आपको आगे पीछे मिलेगा लेकिन ऑप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट में मिल सकता है, फोर्थ में मिल सकता है, क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100वीं स्मार्ट सिटी घोषित किया गया तो वह राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों को एक दल ने 12 घंटे और 24 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार किया, उनमें से एक राजस्थान का था, तो वह कौन था? जगदीश चंद्र। चलिए दोस्तों फटाफट हम इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की डॉक्टर कृष्ण जाखड़ को साहित्य अकादमिक राजधानी अनुवादन पुरस्कार 2017 अनुवाद कृति के लिए दिया गया, तो ये जो दिया गया था गाथा तीसरा पारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा चुना गया? तो ये चुना गया सीएल सांखला। इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो जो इनका आंसर रहेगा वो रहेगा ए स और द, जो किस ऑप्शन में है हमारे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये जाक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। तो जो ये आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलत में दीवाने ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो जो ये आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 4321।
अगला क्वेश्चन है, मंदिर स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कथन चार दिए गए हैं, तो इनमें से एक तो पहला, एक दूसरा और एक तीसरा जो कथन है वो सत्य है, जो किस ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, क्लियर है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहें, फिर बाद में आप एनालिसिस कर लेना कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21वां है, निम्नलिखित में को सम्मिलित सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, मतलब आंसर रहेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 22वां, क्रांतिकार जो हर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो था भगवती चरण वोहरा। 23वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तेज बहादुर सिरपू। 24वें क्वेश्चन, वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है वो है पंडरपुर में। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो जो इनका कालक्रम है 1 3 4 2, मतलब लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला बाग कांड, फिर उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, फिर स्वराज दल की स्थापना, जो कि इस ऑप्शन में हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरत भट्ट फर्स्ट, तो आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है 27वां, जो इसका आंसर रहेगा राजकीय ज्योतिष के लिए। 28वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जैसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, केसरी सिंह बारट, इसका सही आंसर रहेगा। 29 में जो आंसर रहेगा वो रहेगा चार्ल्स मेटकॉफ। 30वें में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सिर्फ केवल ए जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, मतलब आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से हुए थे? बैराट से हुए थे। चलिए, क्लियर है दोस्तों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, बाद में इसका एनालिसिस करेंगे, सिर्फ अभी अपन इसकी आंसर की देख रहे हैं कि कौन सा सही है, तो आप जांच कर सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन भी सुमलिखित कीजिए से आया हुआ है, इसका आंसर रहेगा DCBA, मतलब ऑप्शन ए। 33वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? वो है सातविस देवरी, तो आंसर आएगा इसका सातविस देवरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो ननकाना है। कौन संबंधित नहीं है? ननकाना। 35वां भी सुमिलित नहीं है, तो ये जो सुलमित नहीं है वो है बोल भारमली या देवेंद्र शर्मा से, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, किससे थी? मांड से। 37वां, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राज्य राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो क्या नहीं था? उदयपुर। 38वां क्वेश्चन, त्याग भूमि के संपादक कौन हैं? हरू भाई उपाध्याय। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। चलिए, 39वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आएगा दोनों कथन ए और बी, जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल क्या हैं? राइट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी हमारे से पूछा गया है कि चयन करना है इनमें से, तो जो देख पा रहे हैं हम ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट है, पहले 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2। चलिए, 41वां क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विवाद को दर्शाता है? तो है अल्फा सूचकांक, तो आंसर आएगा सी। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास की। 43वां क्वेश्चन, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है वो है लूर। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट से संबंधित है? वो है सलहे, तो आंसर आएगा ए। 45वें में भी पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये मासा हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आएगा ए। 46वां,
कौन सा सम्मिलित नहीं है? दक्षिण न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, तो आंसर आएगा ए। इस प्रकार तीसरा 47वां क्वेश्चन पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी, 2 4 3 1, 2 4 3 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48। अगला क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित करने से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, और जो कि एक दो कर लोगे तो काफ़ी आसान है, ऑप्शन से ही हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो है मुकंदरा पहाड़ियाँ, तो आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन 50वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों सी। 51वां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल इसरो के सहयोग से बनाता है गैस और सौर सेल, तो आंसर आएगा हमारा ए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। तो हम देख पा रहे हैं 55 क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आएगा, ये सभी जो कथन हैं सारे क्या हैं, सत्य हैं। अभी जो ऑप्शन है ना बी, आपको ए में भी मिल सकता है, डी में भी मिल सकता है, तो ये मत सोचना कि ये पेपर अलग है आरएएस का, आरएएस का पेपर है, सभी का सेम आया है, तो हो सकता है कोई के सेट कोई अलग सेट आया हो, तो आगे पीछे क्वेश्चन होंगे। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो जब सुमिलित करेंगे तो आंसर आएगा सी, 4 1 2 3, तो आएगा आंसर यहाँ पे सी। 54, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है केवल ए, मतलब कुछ स्थानों पर संवहन धारा की उत्पत्ति, तो आंसर आएगा केवल ए। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वो है 31.15% एवं 24.87%, तो किस आंसर में है? बी में है। अगले क्वेश्चन का आंसर है ए, बे और ते। क्वेश्चन नंबर 57 में आएगा बीकानेर और नागौर, तो आंसर आएगा हमारा बीकानेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 58 में आएगा HPCL एवं राजस्थान सरकार, तो आएगा HPCL और राजस्थान सरकार। 59 में हमारा जो आंसर रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, तो आएगा ए और से, हमारा क्या आएगा यहाँ पे ए और से। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2017 और 18 दिसंबर तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? तो आंसर आएगा बाड़मेर सांचेर बेसिन में, तो आंसर आएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास में, गांधीयान कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसने लिखी? तो इसका आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल, तो आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ए और डी, बिल्कुल क्या है यहाँ पे राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास में, भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों आयु ऐसे प्राधिकृत द्वारा ऐसी नीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विविध द्वारा उत्पन्न करें अंतः स्वादित किया गया है, तो वो किया गया है 15वें संविधान संशोधन द्वारा, तो आंसर आएगा दोस्तों इसमें सी। 64 में आएगा स्वयं माधोपुर शेर, क्योंकि वहाँ क्या होते हैं बा 66 का जो आंसर है वो आएगा 4। 1440 फर्स्ट गए पांडुचेरी। 67 में हमारा आंसर आएगा 24 जून नहीं आएगा, 25 जून 1975 ऑप्शन डी। क्वेश्चन आएगा हमारा डी। 69
69 में निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1975 के सदस्य रहे हैं? तो जो सदस्य रहे हैं ए बी और डी, सी नहीं रहे हैं, हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो इसका आंसर है ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 है जो उसका आंसर रहेगा ए। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है उसका आंसर रहेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 77 है जो उसका आंसर रहेगा हमारा बी। हो सकता है कि ऊपर नीचे हो ऑप्शन, लेकिन मिल जाएगा या तो डी में होगा या ए में होगा या सी में होगा। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा हमारा डी। अब चलते हैं 79 की तरफ दोस्तों फटाक से हम। क्वेश्चन नंबर 79, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सरपंच एवं पंच, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारा बी और सी, मतलब ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे? तो वो हैं पूनम चंद विश्नोई। तो आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84, इसका जो आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो आंसर है हमारा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 85 में कि उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो वह है न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी। तो जो किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। दोस्तों मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपन सिर्फ आंसर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में जो आंसर रहेगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक सी। क्वेश्चन नंबर 87, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ये सभी। 89 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो 89 को अभी आप छोड़ देंगे। इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर सी भी हो सकता है, तो इसको अभी छोड़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर रहेगा गी, किस GST के दायरे के अंदर रखा गया है? तो किसे रखा गया है? घी को। क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है 91, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा डी। अगर फास्ट हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं वीडियो को, स्लो हो जाता है, ऑप्शन आता है यूट्यूब में। चलिए 92 की बात करते हैं हम। 92 में जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो आंसर रहेगा सी। 93, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो है 1999 से 2000, तो आंसर रहेगा सी। 94 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7.60%। 95 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा याचना मुद्रा बाजार, ऑप्शन हमारा डी। 96 है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो है अल्प बचत, तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। चलिए अब देखते हैं 97 हम। 97 में आंसर रहेगा बी, राजस्थान राज्य ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ स्थापित किया गया है? वो जयपुर में। चलिए 98 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा चिकित्सीय पर्यटन। 99 में निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है?
है क्या? डी गंगा। 100, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्वरूप सागर झील, डी। 101, इसका आंसर रहेगा 2 लाख रुपए से कम 50%। 102 क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्ति में निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रही है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, केंद्रीय करों में हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रस्तावित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो है सूरतगढ़, तो आंसर है इसका सी। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नर्मदा केनाल परियोजना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्युलोसी रेसे के उदाहरण है? तो वो है नाइलॉन, तो आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 106, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोगी की जाने वाली तरंग होती है? तो वो है अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 107, जो इसका आंसर है वो है सी, रांगे की टीन। क्वेश्चन नंबर 108, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 109 का जो आंसर है वो रहेगा सी, निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 110, 110 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष RFD तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा। चलिए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, केवल ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा सी, नाक ढुकना, तो आंसर है हमारा डी, सॉरी आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, 113 की, तो कंप्यूटर की मशीन भाषा आधारित है? तो जो आधारित है वो है बूलिए बीजगणित पर, तो आंसर है हमारा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं मित्रों, ब्लूटूथ तथा वाईफाई से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ऑप्शन सबके समान नहीं है। जो सी है वो किसी के फर्स्ट में होगा, किसी के लास्ट में होगा, किसी के सेकंड में होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की मित्रों। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारे पास में, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10^-7 मीटर से कम हो कहलाती है, वो कहलाती है नैनो पार्टिकल, तो आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है वो है कॉलम से, तो सम्मिलित करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, पहले 4 फिर 1 फिर 5 फिर 2 फिर 3, तो आंसर है हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? तो वो है डायोन सिंड्रोम के लिए, तो आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? वो कहते हैं कार्बन पदचिन्ह, तो आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे मित्रों आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 104, मतलब एक ऑप्शन नंबर ए। चलिए मित्रों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है मित्रों हमारे पास में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है? तो वो है डीएनए बहुरूपता, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 123 का मित्रों जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर में, लेक सिटी में। चलिए 125 की बात करते हैं हम, 125 में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मित्रों डी, बांस। अब चलते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर मित्रों। तो 127 कथन से है कि सभी शाखाएं फूल हैं, सभी फूल पत्तियां हैं, निष्कर्ष है, तो जो उसका आंसर है वो है
डी मतलब केवल फर्स्ट तथा सेकंड अनुसरण करते हैं, तीन और चार अनुसरण नहीं करते हैं। तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 128, बाद में हम चर्चा करेंगे, मैथ रीजनिंग के पर्सनल वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा इन सभी क्वेश्चनों का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों आपको। चलिए 128 का जो आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा ए। 129 भी कथन और तर्क पे बात की गई है यहाँ पे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए, तो जो इसका आंसर है वो है केवल सेकंड। चलिए मित्रों हम चलते हैं अब 130 पे। क्वेश्चन नंबर 130 सीरीज से आया हुआ है, लॉजिक का क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर है 73। बाद में अपन एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 131 जो क्वेश्चन है वो सीरीज से है, वो है आंसर हमारा डी सॉरी बी, तो क्यू जे अपॉन जी ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 असंगत, हमें ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, असंगत छाटना है, तो ये जो इसका आंसर रहेगा मित्र वो रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 133 कथन और कार्यवाही पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा मित्रों डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरित करता है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो फिगर काउंटिंग से लिया गया है मित्रों, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या नहीं पूछी है, ये पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या और समांतर चतुर्भुजों की संख्या का अंतर कितना है, तो मित्रों जो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। 135 में जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी मित्रों। 136 की बात करें, 136 में जो आंसर रहने वाला है मित्रों वो रहने वाला है ए। 137 की बात करें तो 137 में आएगा 7:5 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 138 की बात करें तो आएगा 6 रुपया। 139 की बात करें तो आएगा सी, WIR ही का कोड रहेगा, तो आंसर आएगा सी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 140 ब्लड रिलेशन से लिया गया है मित्रों, तो जो इसका आंसर रहेगा पौत्र मतलब ए। सभी क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे बाद में अपन, एक अलग से सेशन लूँगा मैं इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन डीआई से है, तो जो 142 क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर रहेगा बस। 143 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 43.36। 144 क्वेश्चन की बात करें तो इसकी जनसंख्या क्या थी, तो इसकी जनसंख्या थी ऑप्शन नंबर ए। 145 की बात करें तो 145 में आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा 87,400 डी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन क्वेश्चंस के आंसर का। चलिए मित्रों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 146 पे। 146 में जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मित्रों जापान। 147 में जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है दिव्या सूर्य देवरा। क्वेश्चन नंबर 148 शरद कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पूर्व महानिदेशक हाल ही में समाचारों में क्यों रहे, तो आंसर मित्रों ए। क्वेश्चन नंबर 149 इसका आंसर है 39%, तो आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 150 अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा निदान। तो मित्रों ये था हमारा आरएएस प्री का पेपर जिसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। तो हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन जो थे डाउटफुल थे, वो हो सकता है कि इसमें आंसर में थोड़ा सा एक दो मिस्टेक रहे, बाकी लगभग जो पेपर था वो बिल्कुल सही है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ था, और जल्द ही हम चर्चा करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे, हिस्ट्री पे, राजस्थान जीके पे, कल्चर पे, इकोनॉमिक्स पे और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों पे, और एनालिसिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें आंसर्स को, क्वेश्चंस को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।